साथियों, जब समय सीमित हो तो यह तय करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी दिशा क्या होगी, हमारी कार्यशैली क्या होगी। आज चुनौती यह नहीं है कि आप कितने एफिशिएंट हैं, बल्कि चुनौती ये तय करने में है कि जहां जो डेफिशिएंसी है वो कैसे दूर होगी। अगर हमारी दिशा सही होगी तो एफिशिएंसी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर डेफिशिएंसी होगी तो हमें वो परिणाम नहीं मिलेंगे जिसके लिए हम प्रयास कर रहे थे। आप याद करिए, पहले डेफिशिएंसी की आड़ में हर सेक्टर की छोटी से छोटी चीज को कंट्रोल करने के तरीके बनाए जाते थे, लेकिन आज वही डेफिशिएंसी एफिशिएंसी में बदली है। आज वही एफिशिएंसी पॉलिसी से जुड़ी छोटी सी छोटी बाधाओं को पहचान कर रही है ताकि उन्हें हटाया जा सके। पहले ये सोच थी कि सरकार सब कुछ करेगी, लेकिन अब सोच ये है कि सरकार सबके लिए करेगी। अब सरकार सबके लिए काम करने की भावना के साथ टाइम और रिसोर्सेज का एफिशिएंटली उपयोग कर रही है। आज की सरकार का ध्येय है नेशन फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। आज की सरकार की प्राथमिकता है वंचितों को वरीयता। आज की सरकार एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तक जा रही है, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स तक जा रही है। आज की सरकार देश के सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव न मानकर उन्हें फर्स्ट विलेज मानते हुए काम कर रही है, वाइब्रेंट विलेज योजना चला रही है। ये बीते वर्षों में हमारी सरकार की बहुत बड़ी पहचान रही है, लेकिन हमें एक और बात हमेशा ध्यान रखनी है। 100% सेचुरेशन के लिए हमें इससे भी अधिक मेहनत की, इनोवेटिव समाधानों की पल पल जरूरत पड़ेगी। अब जैसे डिजिटल इंडिया का इतना व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास उपलब्ध है, इतना बड़ा डेटा सेट हमारे पास है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हर विभाग अपने अपने हिसाब से वही जानकारी, वही दस्तावेज मांगता है जो पहले से ही किसी न किसी डेटाबेस में मौजूद है। प्रशासन का बहुत बड़ा समय एनओसी, प्रमाण पत्र, क्लियरेंस, इन्हीं सब कामों में चला जाता है। हमें इनके सॉल्यूशन निकालने ही होंगे, तभी ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, तभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। मैं आपको पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान का भी उदाहरण देना चाहता हूं। इसके तहत हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े डेटा लेयर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसका हमें अधिक से अधिक उपयोग करना है। हमें सोशल सेक्टर में बेहतर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए पीएम गतिशक्ति का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हमें लोगों की जरूरतों को आइडेंटिफाई करने में और एजुकेशन में आने वाली मुश्किलों को दूर करने में मदद मिलेगी ही मिलेगी। इससे डिपार्टमेंट्स के बीच, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक के बीच संवाद और सरल होगा। इसे हमारे लिए आगे की स्ट्रेटजी बनाना भी ज्यादा आसान होगा।